उधर पापा बोले बेटा परीक्षा पे ध्यान दे, पर बेटा क्या कर रहा है? प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। नहीं, इसे देखने के बाद ना मुझे बहुत कुछ कहना है, तो वीडियो एंड तक देखो, एंड तक। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी बोला हूँ वो मजाक है, कृपया दिल पे ना ले। हे गाइस, इस बोल लाइक सर, मैं हूं आपका श्रीनाथ भू और आज का टॉपिक है ऑटो वाला प्यार। इसमें कुछ लिखा हूँ, सुनोगे? नहीं, तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है, सुनना पड़ेगा। डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ कि मैं गाना गाने वाला हूँ, तुम लोगों को कुछ हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। लस्ट वाला, स्मूच वाला, वैसे वाला प्यार, देखो जिसमें हवस है ज्यादा, वैसे वाला प्यार, ऑटो वाला प्यार, जो आजकल में वायरल हुआ, देख के बहुत हार्ड हुआ, ऑटो वाला प्यार, जिसे देख के एहसास हुआ, सिंगली मरेंगे हम सब, ऑटो वाला प्यार। चुपके ऑटो वाले अंकल के पीछे से करी चुम्मा चाटी ने इतना, जिसे देख के इन भाई साहब ने अब अपलोड ही किया, ऑटो वाला प्यार, जो आजकल में वायरल हुआ, देख के बहुत हार्ड हुआ, ऑटो वाला प्यार, जिसे देख के एहसास हुआ, सिंगली मरेंगे हम सब, ऑटो वाला प्यार। तुम लोग जिंदा हो ना? बच गया भे। हाँ बोले आप। चलो लिरिक्स पे ध्यान दिया, थैंक यू। जो जो मुझे लगा ना सब कुछ मैं लिख दिया इसी गाने, पसंद आया तो बताओ, और जो जो मैं उस गाने में नहीं बता पाया अब बता रहा हूँ। अरे भाई, तुझे ऑटो कैसे मिल गया ये करने के लिए? क्योंकि हम सवारी करने के लिए पूछते हैं, ऑटो वाले मना कर देते हैं। भाई कोई बंदिया इतना रिजेक्ट नहीं मारते जितना ऑटो वाले रिजेक्ट मारते हैं। इसके बावजूद इसको ऑटो मिला और इसने ये किया। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मिल रहा तुम्हें ये करके? वैसे तुम्हें क्या मिल रहा मुझे पता है ना, मजाक होता है हफसी दरिंदों। और ये किया तो किया भाई, रूम में कर लेते, मैं तुम्हारे करने के खिलाफ नहीं हूँ, तुम कर लो, बट प्राइवेट में जो चीज करी जाती है उसको प्राइवेट में करो, पब्लिक में करोगे तो ऐसे ही लोग वीडियो निकाल के डाल देंगे। वो बात बेशक अलग है कि प्राइवेट में भी आजकल वीडियो निकाल के डाल रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना ओपन यूट्यूब में तो नहीं होगा तुम जो कर रहे हो। सो एंड में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, गेट अ रूम, आई मीन गेट अ बेड। नहीं, बेड से याद आया, तुम लोग को एक न्यूज बतानी है जो एक्चुअली मीडिया आउटलेट्स कवर नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर थोड़ा किया है, ज्यादातर नहीं कर रहे। इसीलिए बोलता हूँ न्यूज में वही दिखता है जो बिकता है। एक मेडिकल कॉलेज है गुंटूर में, अब तुम समझ सकते हो उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होगा। वहाँ एमसीआई ने इंस्पेक्ट किया और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बेड सही नहीं रहने के कारण बहुत सारे डिग्रीज होल्ड में रखे पड़े, मतलब जो बंदे पढ़ाई कर लिए मेडिसिन की वो लोग को डिग्री नहीं मिल रहा है इसके कारण। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इनजस्टिस है, ना इंसाफी है, मेरा ये है कि तुम उस पे जाकर थोड़ा पढ़ लो, तुम देखो उसके बारे में, तुम उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, ये वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। अगर बातों में होगा तो उन बंदों को जल्दी डिग्री मिलने की चांसेस है। वो लोग का डर ये है कि ये लोग को अगर डिग्री नहीं मिला तो इन लोग की हालत क्या होगी, क्योंकि हम लोग को पता है पढ़ाई कितना मुश्किल है और मेडिसिन तो भाई साहब। सो इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बट मेनली इस मेडिकल कॉलेज जो गुंटूर में, तो सर्च करो इस इन्फॉर्मेशन को, लोगों से शेयर करो, आज जो यहाँ हुआ कल कहीं और हो सकता है, तो इस चीज को शेयर करते। तो मिलते हैं अगले वीडियो इंस्टाग्राम या सेकंड चैनल की वीडियो में। हकुना मटाटा टा। अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो, थैंक यू। हैशटैग बूज बैक कमेंट कर देना और वो मेडिकल कॉलेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कर देना प्लीज।